नमस्कार, मैं अजय पंडित एक स्टोरी सुनाता हूं। मामूली सी, छोटी सी। एक बड़ा ही विशाल एक जहाज था जिसका इंजन ब्रेक काम नहीं कर रहा था, और काफी कोशिश की गई, काफी प्रयास किया गया उसे ठीक करने का, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो जहाज के मालिक ने एक मैकेनिक को बुलाया, तो 40 साल का एक तजुर्बेकार एक मैकेनिकल इंजीनियर आया और उसने उस इंजन को देखना उसने शुरू किया। चारों तरफ उसने ऊपर से नीचे तक उस इंजन को देखा, और उसे देखने के बाद अंत में उस मैकेनिकल इंजीनियर ने अपने बैग में से एक छोटा सा एक हथौड़ा निकाला और एक जगह उसने दो चार चोटें की, और दो चार चोटें करने के बाद वो जहाज चालू हो गया। सब देखकर बड़े हैरान थे, इंजन चालू हो गया था। 3 महीने के बाद उस इंजीनियर ने 10,000 का बिल भिजवाया, $10,000 का उसने बिल भिजवाया उस जहाज को ठीक करने का। उस बिल को देखने के बाद जो जहाज का मालिक था बड़ा हैरान था, बोला हैरान था, शॉक में था, बोला कमाल की बात करते हो कि बोला एक मामूली सा हथौड़ा मारने के एवज में $10,000 का बिल। तो उस मैकेनिकल इंजीनियर का जो जवाब आया, तो उस जवाब में लिखा था कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक हथौड़ा चलाने के बदले में $10,000 का बिल तो नहीं हो सकता। हथौड़ा चलाने का बिल जो मैंने चार्ज किया है वो सिर्फ $2 है, और बाकी $9,998 वो हथौड़ा चलाना कहा है ना, मैंने चार्ज इस बात के लिए किया है। ये हथौड़ा चलाना कहां है, ये चीज सीखी कहां से उस व्यक्ति ने? इसे कहते हैं स्किल, काबिलियत, कौशल्य। और ये काबिलियत और कौशल्य जो डेवलप होता है, ये एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, और एक्सपीरियंस रातों रात नहीं बनता। इस बिजनेस के भीतर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, डायरेक्ट सेलिंग के भीतर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, दोस्तों इसे सीखने के लिए समय लगता है, तजुर्बा लगता है, काबिलियत लगती है, स्किल लगता है, और स्किल को डेवलप करने में समय लगता है। जितना ज्यादा आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के भीतर आप समय गुजारेंगे, आपकी काबिलियत बढ़ती चली जाएगी, आपका तजुर्बा बढ़ता चला जाएगा। जितना तजुर्बा बढ़ेगा उतनी आपकी काबिलियत बढ़ती चली जाएगी। इस बिजनेस में आप अगर स्किलफुल बनते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से आपको मिल सकती है। सो ग्रो योर एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे को बढ़ाइए, आपकी काबिलियत, आपका स्किल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।